कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। तो कप है सवैया, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मदसी सवैयों का जर्दा, उफ अल्लाह, एक तो मेरे मुजक्कर मोनस। इसको खोल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल ये बिल्कुल डन है, ये देखिए देखने में किस कलर जबरदस्त। तो इसके साथ हमें ड्राई फ्रूट्स चाहिए होंगे, जितने आप साहिब जायदाद हैं बस उतने। ओह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आतम आ रही है। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जबरदस्त सा जर्दा, लेकिन चावलों का नहीं बल्कि मैं बनाने जा रही हूँ सवैयों का जर्दा, जो कि टोटली डिफरेंट रेसिपी है, बहुत क्विक है, बहुत मज़े की है, बिल्कुल दो मिनट के अंदर अंदर बन जाती है। तो चलिए जी, बगैर टाइम ज़ाय किए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, सवैयों का जर्दा बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने ले लेना है ये कुकिंग ऑयल, ठीक है जी, ये आपको चाहिएगा 1/4 कप। आप कुकिंग ऑयल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं घी या देसी घी। मैं जनाब डालडा को कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने जा रही हूँ, लेकिन आप रजवान, शहबाज, किसान कुछ भी ले लीजिए। अच्छा जी, इसके साथ हमें चाहिए होगी ये सब्ज इलायची है, 1/3 टी स्पून पाउडर शामिल करूँगी। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप सिंपल जो इलायची होती है उसको भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये फूड कलर है, ये हमें 2-3 चुटकियाँ चाहिए होंगी बस कलरफुल बनाने के लिए। ये 1/4 कप है शुगर यानी कि चीनी, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे मीठा कम पसंद है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। और एक पैकेट ले लीजिए ये बारीक सवैयाँ हैं, और ये जनाब केवड़ा है, ये 1-2-3 ड्रॉप्स हमें चाहिए होंगे, इससे बड़ी ज़्यादा खुशबूएँ आती हैं, ये टोटली ऑप्शनल है ये भी। अच्छा जी, इसके साथ हमें चाहिए होगा पानी 1.5 कप। इसके साथ हमें ड्राई फ्रूट्स चाहिए होंगे, जितने आप साहिब जायदाद हैं बस उतने डाल लीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है यकीन करें, महीने का अंत चल रहा है और वैसे शुरू भी हो, मेरे पास यकीन करें इतने पैसे नहीं है कि मैं ड्राई फ्रूट्स हों मेरे पास। तो मैं ऐसा करूँगी कि मैं अपने हमसायों के पास चले जाऊँगी, कुछ गिरी बादाम तो होंगे उनके पास, वो मुझे दे देंगे, मेरी बड़ी अच्छी इस्लाम दुआ, इतना मुझे यकीन है वो मुझे दे देंगे। तो जो कुछ भी देंगे अब मुझे नहीं पता वो क्या देंगे, मैं इस बेस शामिल कर लूँगी। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक खूबसूरत सी ये कढ़ाही, ठीक है जी, इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेते हैं। ओह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आग कम आ रही है, हम कम नहीं पका लेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें आदत हो गई है, हम यूज़ टू हैं इन तमाम चीज़ों की, ठीक है जी। तो अब मैं इसको लो फ्लेम में ही पका लूँगी, लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपकी गैस आ रही है, आप इतने कोई खुशकिस्मत है, तो मीडियम आपने फ्लेम ऑन करनी है। शामिल किया कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी, ऑयल हो चुका है शामिल। अच्छा जी, अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैं ये इलायची पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको जब तक आप भूने, जब तक जो खुशबूएं कमाल वाली आना शुरू नहीं हो जाती, ज़बरदस्त रीन खुशबूएं आना शुरू हो गई हैं, अब इसका मतलब यह है कि इसमें पानी शामिल कर दीजिए आप माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। और जनाब अब इसमें शामिल कर लीजिए फूड कलर, अच्छा अच्छा इसको अच्छी तरह से आपने हिला लेना है, यानी कि फूड कलर को मिक्स कर लीजिए। अब साथ ही इसके शामिल कर दीजिए अब चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जनाब अब इसको तब तक मीडियम फ्लेम में पकाएं जब तक चीनी जो है अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती। मैं सोवेबल चीनी जो है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देते हैं सवैयाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चीज़ अच्छी तरह से इसको पकाएं, ठीक है जी। अब 30-40 सेकंड के लिए इसको मीडियम फ्लेम में आपने पकाना है। और जनाब ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा उबाल आ रहा है, मतलब इस तरह की कोई चीज़। अब जनाब आपने कर देनी है लो फ्लेम और इसको कर देना है कवर, और तकरीबन लो फ्लेम में आपने करनी है, मैंने नहीं करनी क्योंकि मेरी ऑलरेडी लो है। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो चलिए जी, इसके पकने का हम लोग कर लेते हैं इंतज़ार। पीपल 10 मिनट हो चुके हैं जी जी, मैंने घड़ी कोई नहीं पहनी, लेकिन जैसे मैं अपने अक्सर वीडियोस में कहती हूँ मेरी छठी इस बड़ी एक्टिव है, मुझे पता चल गया 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए जी, इसको खोल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल ये बिल्कुल डन है, ये देखिए देखने में किस कलर ज़बरदस्त लग रहा है, ये थोड़ा सा कोको पाउडर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको शामिल कर लीजिए।
ये ऑप्शनल है, अंदर पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इसको इस्तेमाल कर लिया जाए। चले जी और अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। जबरदस्त सवैयों का जर्दा झटपट 2 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए देखने में कितना मजेदार है। तो आप ऐसा करिए, मेरी इस रेसिपी को अपनी खाला, फूफो, चची, नानी, दादी सबके साथ शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।